नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स का लेसन नंबर 2 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश, उसको हम पढ़ रहे थे। और इसके हमने अब तक आज से पहले 5 वीडियो इसके बना करके अपलोड किए हुए हैं। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत यदि हम देखें तो टोटल आपके 6 चीज़ें आपको समझनी होती हैं। फर्स्ट, न्यू एंड सैक्रिफिक रेशियो, नया व त्याग के अनुपात की गणना। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें वीडियो नंबर 1 हमारा इस पर अपलोड है यूट्यूब पे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन के 2 वीडियो हैं। ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं 5 प्रकार की, उनमें से ईयर्स परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो उनके 2 वीडियो हैं, वीडियो नंबर 2 और 3। इसमें आपको ख्याति का मूल्यांकन करने की सारी विधियाँ, 5ों विधियाँ इसके अंतर्गत मिल जाएगी। इसी प्रकार अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन करने के लिए 4th नंबर का वीडियो हमने बनाया है, वीडियो नंबर 4। इसमें ख्याति का मूल्य लेखांकन को अच्छे से समझाया गया है। एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए वीडियो नंबर 5 है, उसमें इसको समझाया गया है। और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस, वितरित लाभ हानि व संचयों का वितरण, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन, ये दोनों टॉपिक हम आज इस वीडियो के अंतर्गत समझाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो लेसन नंबर 2 है आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसके अंतर्गत टोटल ये 6 एडजस्टमेंट करने होते हैं। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय हमें ये 6 समायोजन करने होते हैं, और 6 समायोजनों के हमने अब तक टोटल 6 वीडियो बनाए हैं। इन 6 वीडियो को आप प्रत्येक टॉपिक वाइज इनको समझ सकते हैं, और समझने के बाद में इसमें हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस के माध्यम से भी इनको समझाया गया है। इसके बाद भी यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या उसमें आती है, कोई टॉपिक उसमें समझ में नहीं आ रहा है, किसी की कोई क्वेरी है, कोई समझना चाहते हैं, तो हमारे विद्यालय के जो व्हाट्सएप नंबर है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन पर व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, और आप कॉल करके भी इन पर अपनी जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्कूल के नंबर हैं 9772307230, यानी 9792307230। एक मोबाइल नंबर तो ये है, और दूसरा नंबर है 9828345346, 9828345346। इन दोनों नंबरों पर आप कभी भी 24 आवर अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर के टोटल 6 टॉपिक हैं, और जिसके 6 वीडियो के अंतर्गत हमने इसको पूरा समझाने का, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आपको जो भी टॉपिक समझना है आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, और अपने इनको जो से टॉपिक को आपको समझना है उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में आप देखें, आज जो हमें इस वीडियो के अंतर्गत समझना है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस, वितरित लाभ हानि और संचयों का डिवाइडेशन करना होता है। एक्चुअल में जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय हमारे पास कुछ लाभ हानि, वितरित जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, वितरित लाभ हानि कहा जाता है इनको, जो हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो हुए होते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, इसके अलावा आपका WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व, ये कुछ अवितरित लाभ हानि होती हैं। ये एक्चुअल में हमारे जो व्यवसाय के, फर्म के जो प्रॉफिट होते हैं उनसे हम एक कोष का निर्माण करते हुए चलते हैं, जो भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए हमें काम में आते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो हम उन जो अपने व्यवसाय के कोष जो हमने बना रखे हैं, रिजर्व हमने बना रखे हैं, फंड बना रखे हैं, उनमें हम उनको हिस्सा देना नहीं चाहते। इसलिए जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या साझेदारी संगठन के प्रारूप में किसी भी प्रकार का कोई चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो हम उसके जो अवितरित लाभ हानि होते हैं उनको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। उसके लिए क्या एंट्री की जाती है? उसके लिए एंट्री होती है अपन की P&L अकाउंट DR, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड अकाउंट DR, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी एंट्री है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये सारी चीज़ें ही होगी। आपकी क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जितने भी दिए P&L दे रखा है तो केवल P&L आएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन रिजर्व, ये सारी, ये मैक्सिमम है। इनमें से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपको DR करना है, और टू ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्ड पार्टनर्स में डिवाइडेड कर सकना है, किसमें? इन ओल्ड रेशो,
पुराने अनुपात में इसको बांटना है, जैसे ए और बी दो साझेदार हैं तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, है ना। इसी प्रकार ये आपके लाइबिलिटी साइड में दे रखें। कई बार अपन को एसेट साइड में भी कुछ मिल जाता है। अब एसेट साइड में क्या चीज़ हो सकती है, एसेट साइड में दो चीज़ें हो सकती हैं आपकी, एक तो पी एंड एल का बैलेंस, है ना, उसको डीआर बैलेंस बोलते हैं, एसेट साइड में आपको दे रखा है, और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको भी हमें डिवाइड करना होता है। ये व्यवसाय की हानियां होती हैं, जैसे ये लाभ होते हैं तो ये व्यवसाय की हानियां होती हैं, इनको हमें डिवाइड करना होता है वही साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो इसमें हम ऑल पार्टनर्स को यहाँ पर सी आर किया है, तो यहाँ ऑल पार्टनर्स को डी आर करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल डी आर बैलेंस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी अपन को इसमें क्वेश्चन में दे रखा है तो उनको हम इस एंट्री के माध्यम से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। जब एक नई फर्म में एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो अब उसके सामने समस्या आती है कि उसकी पूंजी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। तो इसमें पूंजी का निर्धारण करने की दो विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं मैं आपको समझा देता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन करने की जो विधियां हैं, इसमें पहला आता है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का निर्धारण। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का निर्धारण। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो जितनी पूंजी लेकर आता है उस पूंजी के आधार पर, उसी की कैपिटल के आधार पर हम पुराने साझेदारों की कैपिटल का डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल कितनी रहेगी। जैसे यूं मान के चले अपन ए और बी, ये 3:2, ये इनका ओल्ड रेशो है 3:2, मैं लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, सी को वो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं और ये 1/4 हिस्से के लिए 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आता है, ये ले आया 50,000 रुपये कैपिटल। अब आप देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ए और बी की पूंजी बताइए कितनी निकालनी है, भाई ए बी सी की कितनी पूंजी रहेगी। ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश किया, सी 50,000 रुपये लेकर आ रहा है। अब ए बी सी की पूंजी का निर्धारण करना है आपको कि ए और बी की कितनी पूंजी होगी। अब कैसे निकालेंगे इसके लिए, अब बड़ा सिंपल है इसमें कि सी 1/4 हिस्से के लिए कितनी पूंजी ला रहा है, 50,000 रुपये। सी को लाभों में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4, और उसके लिए कैपिटल ला रहा है वो 50,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई, सी 1/4 हिस्से के लिए 50,000 ला रहा है तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, 50,000 × 4/1। उल्टा कर दो, 1/4 के लिए 50,000 ला रहा है तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 50,000 × 4/1, तो इक्वल टू हो गई 2,00,000। 2,00,000 रुपये आपकी कैपिटल आ गई। ये जो 2,00,000 रुपये कैपिटल आई है ये किसकी कैपिटल है, टोटल फर्म की कैपिटल है। अब फर्म की कैपिटल 2,00,000, इसमें से 50,000 रुपये तो सी के है ही, अब बचे 1,50,000। 1,50,000 को आप 3:2 के अनुपात में डिवाइड कर दो ए और बी की, 3:2 में बांट कर दो, 2,00,000 में से 50,000 निकाल दिया आपने, 1,50,000 बच गया। अब 1,50,000 की 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3:2 5, 5 3 15, 3 3 90,000 तो आपके आगे ए के और बी के आ जाएंगे आपके 60,000। अब ये कैसे आए, अब इसके दो तरीके हैं, देखो मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें एक तो ए वी और सी, सी आया 1/4 के लिए, ए और वी का अनुपात है 3:2। पहला तरीका तो ये है कि इनका नया अनुपात निकाल लो, ठीक है ना। तो नया अनुपात अपन निकालेंगे तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है जिसमें सी का हिस्सा 1/4, शेष बच गया आपका 3/4। अब 3/4 का 3/5 तो ए का और 3/4 का 2/5 बी का, कितना आ गया 9/20, इसका आ गया 6/20 और इसका 1/4 है, तो देखो 9/20, इसका 6/20 और इसका 1/4, इनका लघुत्तम लेंगे हम 20, तो 9:6:4/5 9/6 5 आ गए। अब अपन ने देखा कि सी जो है वो 1/4 हिस्से के लिए 50,000 ला रहा है तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 50,000 × 4/1 2,00,000। अब 2,00,000 को आप 9/6/5 में बांट दो, 9/6/5
में अपन डिवाइड करेंगे 2 लाख को, तो 9, 6, 15, 5, 20 होते हैं, 20 का भाग 2 लाख में देंगे तो कितना आ गया, 2 लाख में 20 का भाग देंगे तो 10,000 रुपये आ गए। अब 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 आ जाएगी, 6 से कर दो 60,000 और 5 से करोगे 50,000, तो 90, 60 और 85 नई फर्म की, नई साधारण इनकी पूंजी हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका, अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, मान लो आप शॉर्ट में इसको करना चाहते हैं तो इसके अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये शॉर्ट तरीका है इसका, सी 1/4 हिस्से के लिए 50,000 लाता है, टोटल पूंजी कितनी हो गई 50,000 × 4/1 2 लाख, 2 लाख में से सी का हिस्सा निकाल दो 50,000, अब कितना बचा 1.5 लाख रुपए, 1.5 को ए और बी तीन दो में बांट दो, 1.5 लाख को ए और बी में बांटेंगे आप तो 90,000 और 60,000 रुपए आ जाएंगे। तो ये तो आपकी एक पॉइंट होता है, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का निर्धारण। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा मेथड अगर अपन लेते हैं तो वो पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी का निर्धारण हो जाएगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, इसका जो दूसरा मेथड है 6 का ही, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूंजी का समझ, नई साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का निर्धारण, यह भाई अब हमने समझ लिया। अब दूसरा आता है आपका पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदार की, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण, नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। इसमें भी बहुत इजी है, एक बार इसका बेस यदि समझ में आ जाता है तो फिर हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कभी भी हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बेस हमारा समझ में आ गया तो फिर हम उसको इजी गोइंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वही दो साझेदार हैं ए और बी, इनका अनुपात वही है, निकालते हैं अपन 3:2, ये ओल्ड रेशियो इनका, पुराना अनुपात है ये, ठीक है। और इनकी कैपिटल, कैपिटल पर मैं देख लेते हैं इनकी 90,000 और 60,000, उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं अपन, है ना। अब ए और बी की समायोजित पूंजी एडजस्टेड कैपिटल कितनी दे रखी है लास्ट में, एडजस्टेड कैपिटल ये दे रखी है आपको 90,000 और 60,000। अब सी को आप 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दे रहे हो, लेकिन अब सी कितनी पूंजी लेकर आएगा ये आपको कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क, सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। अब अपन कैसे करेंगे, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। अब इसमें अपन को बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो ये पुराने समय इनकी, इसको इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। देखिए माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपए है, फर्म का कुल लाभ 1 रुपए है, 1 रुपए ही होता है, 1 रुपए ही मानते हैं अपन। अब इसमें सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, सी का हिस्सा कितने के लिए आ रहा है, वो 1/4। शेष लाभ, शेष लाभ कितना बचा, शेष लाभ यानी कि ए व बी का हिस्सा, शेष का मतलब क्या है, ए और बी का हिस्सा। भाई सी का अपन ने निकाल दिया तो ए और बी का शेष कितना, ए और बी का हिस्सा, वो कितना है, वो आएगा 1 रुपए कुल था, उसमें से सी का हिस्सा निकाल देंगे 1/4, तो 3/4 आ गया आपका शेष लाभ, यानी ए और बी का हिस्सा कितना आया 3/4। अब ए व बी की पूंजी कितने गए, ए व बी की एडजस्टेड कैपिटल समायोजित पूंजी कितनी आई, अब इन दोनों को जोड़ दो 90,000 और 60,000, 90,000 प्लस 60,000 बराबर 1,50,000। अब आप इसको यूं कह सकते हैं शॉर्ट में कि ए सी जो शेष लाभ है आपका 3/4 हिस्से के लिए ए और बी की पूंजी कितनी है, यानी ए और बी का लाभ कितना है 3/4 दोनों का मिला करके, और 3/4 के लिए इनकी पूंजी कितने है 1.5 लाख, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। अब 1,50,000 है, 1,50,000 तो फर्म की कुल पूंजी, भाई ये 3/4 हिस्से के लिए पूंजी है 1,50,000, इसलिए फर्म की कुल पूंजी होगी 1,50,000 × 4/3, ये तो फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी, 3 × 5 = 15, 5 × 20 = 2 लाख रुपए। और इसमें अपन को अब किसकी हिस्सी, किसकी निकालनी है, इसमें निकालनी है एज कैपिटल, ए के हिस्से की पूंजी, तो ए के हिस्से की पूंजी निकालेंगे आप 2 लाख का, ए का हिस्सा कितना है, कितने हिस्से के लिए प्रवेश कर रहा है वो 1/4, 2 लाख का 1/4 बराबर 4×20 = 50,000 रुपए। यानी उसी क्वेश्चन को अपन ने दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लिया है कि
नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का निर्धारण और पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। तो इस प्रकार से ये हम इसमें कैपिटल का समायोजन कर सकते हैं, कैपिटल की जो पूंजी का समायोजन है वो आपका हो जाता है। इसके बाद में ये टॉपिक आपका अब पूरा हो गया है और जो आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है इसके ये सारे टॉपिक आपके जो छः हैं ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। सभी के हमने अलग अलग वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उनमें से आपको जो भी टॉपिक समझना हो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट कर दूँ कि पहला वीडियो जो आपका न्यू एंड सैक्रिफिक रेशियो, नया और त्याग के अनुपात में यदि आपको सीखना है निकालना, उसके लिए हमारा पहला वीडियो नंबर एक देखें। इसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन करना यदि सीखना है, पहली विधि के लिए वीडियो नंबर टू है और बाकी की विधियों के लिए अपन का वीडियो नंबर थ्री है, यानी वीडियो दो और तीन वीडियो इसमें डाल रही हुए हैं। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन आपको समझना है तो आप वीडियो नंबर फोर देख लें। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों को दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन देखना है, उसके लिए वीडियो नंबर फाइव। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके लिए हमारा करंट वीडियो यानी वीडियो नंबर ये सिक्स चल रहा है। तो ये हमने पूरे चैप्टर को छः टॉपिकों में इसमें डिवाइड किया है। अब इसके बाद में इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस जो बचते हैं वो है, उनकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आप बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा आपको यदि इन वीडियोस में को देखने से कोई क्वेरी रहती है आपकी, कोई क्वेश्चंस में कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे विद्यालय के ये व्हाट्सअप नंबर, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है आपके 9972307230, है ना, 9772307230 और 9828345346, 9828345346, दोनों नंबरों पर आप कभी भी आपकी जो क्वेरीज हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कॉल करके भी आप इनको कर सकते हैं। थैंक यू।